Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the time of supply, which is a confusing for all of the students who are attempting the TYBCOM semester 6 examination. So TYBCOM semester 6 examination mein time of supply pe questions aapko puche ja sakte hai. Jaise teen concepts hai hamare, time of supply, place of supply एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए. तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक वीडियो प्रिपेयर किया है. सो आपको इस वीडियो से बेसिक्स चीज़ें पता चलेगी, एज वेल एज वन वन मार्क्स के जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा. सो आपको ये वीडियो देखने के बाद जो 8 और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस टाइम ऑफ सप्लाई पे पूछे जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आप काफ़ी इजी तरीके से ये 8 to 7 मार्क्स इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं. सो वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ. चलो स्टार्ट करते हैं. सो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि आपको 2 से 3 डेट्स आपको पेपर में दिए जाएंगे, और उस डेट्स में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो आपका डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे क्या होगा. सो पहला केस पढ़ते हैं, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स. तो उस बेस पे हम पढ़ेंगे कि व्हेन देयर इज नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स. सो व्हेन देयर इज नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए रूल्स है, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल. सेकेंड है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. सो आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ याद रखनी है, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में से जो भी अर्लियर डेट रहेगा वही हम कंसिडर करेंगे फॉर अवर टाइम ऑफ सप्लाई. तो दीज आर द सिंपल रूल्स, जो भी डेट अर्लियर रहेगा वो हम कंसिडर करने वाले. टाइम ऑफ रिमूवल, पहला डेट है टाइम ऑफ रिमूवल, सेकेंड डेट है डेट ऑफ इनवॉइस, एंड थर्ड डेट है आपको डेट ऑफ पेमेंट दिया गया. तो अभी फर्स्ट आपको डेट दिया है, डेट ऑफ रिमूवल का 8 दिसंबर 2018, फिर डेट ऑफ इनवॉइस दिया है 30 दिसंबर 2018, और पेमेंट दिया है 31 दिसंबर 2018. तो हमें पूछा जाएगा ऐसे तीन डेट्स देके टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करें. तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, काफ़ी इजी है. तो आपको तीन डेट्स कंपेयर करनी है, टाइम ऑफ रिमूवल का डेट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, और लेना है विच एवर इज अर्लियर. तो 8 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018, इन तीनों में से अर्लियर डेट कौन सा है. तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो अर्लियर डेट है 8 दिसंबर 2018, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. फिर सेकंड केस है 6 दिसंबर 2018, 15 जनवरी 2019, और 24 फरवरी 2019. तो इन तीन डेट्स को कंपेयर करें, इन तीनों में से जो पहला डेट आता है अर्लियर वो कौन सा है, 6 दिसंबर 2018. तो 6 दिसंबर 2018 जो है वो आपका डेट बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का. नेक्स्ट इज 15/11/2018, 25/11/2018, 24/12/2018. तो इसमें से अर्लियर डेट कौन सा आता है, 15/11, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा 15/11. काफ़ी इजी है, आप पर पॉइंट के बेस पे 1-1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 28 फरवरी 2018, 25 मार्च 2018, 28 मार्च 2018. तो इसमें से सबसे पहला कौन सा आता है, 28 फरवरी 2018. नेक्स्ट इज 25 जनवरी 2018, फेब 2018 मार्च 2018. तो जनवरी ऑब्वियसली पहले आता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर केस नंबर 5 विल बी 25 जनवरी 2018. नेक्स्ट इज 7 मार्च 2019, 25 मार्च 2019, एंड 28 मार्च 2019. तो इन तीनों में से अर्लियर कौन सा आता है, 7 मार्च 2019, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. अभी सेकंड केस देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग पेमेंट मेड टू सप्लायर. तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है जो हम पढ़ेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट फॉर इनवॉइस, एंड पेमेंट इन द सप्लायर बुक्स, क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर. सिंपल रूल्स है, डेट ऑफ इनवॉइस लेना है, लास्ट डेट फॉर इनवॉइस लेना है, पेमेंट इन सप्लायर बुक्स लेना है, जो भी क्रेडिट हुआ रहेगा अकाउंट में, और उसमें से सबसे जो अर्लियर डेट आएगा वही लेना है. काफ़ी इजी है, जो अर्लियर डेट है वही हमको कंसिडर करना है इन केस ऑफ सेकेंड केस ऑल्सो. सो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो तीन ही पॉइंट्स लिए, आपको ईजिली ये तीनों पॉइंट से क्लियर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा. सो कॉलम्स हमारे हैं डेट ऑफ इनवॉइस,
सेकेंड है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, थर्ड है कॉलम पेमेंट का, और फोर्थ है क्रेडिट इन अकाउंट का। तो अभी हमारे पास चार कॉलम्स है, चार कॉलम्स में से भी वही रूल है, दैट इज विच एवर इज अर्लियर। तो 11th में 2018, 12th में 2018, 16th अप्रैल 2018 या 15th अप्रैल 2018, तो इन चारों डेट्स में से अर्लियर डेट कौन सा है, सबसे पहला डेट कौन सा आता है, तो सबसे पहला डेट आता है 15th अप्रैल 2018, तो वही हमारा बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज 21st जुलाई 18, 15 जुलाई 18, 24 जुलाई 18, 26 जुलाई 18, ये सभी जुलाई जुलाई ही है, तो इसमें से सबसे पहला डेट कौन सा आता है, 15th जुलाई 2018, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा 15th जुलाई 2018। नेक्स्ट इज 11th अगस्त 2018, 18th अगस्त 2018, 25th अगस्त 2018 एंड 28th अगस्त। तो इन सभी में से जो सबसे पहला डेट आता है वो कौन सा होता है, अर्लियर डेट 11th अगस्त 2018। तो हमें सिंपल रूल याद रखना है, विच एवर इज अर्लियर। इसके रिलेटेड और भी केसेस है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगा, तो उस बेस पे आप अपने टाइम ऑफ सप्लाई का प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें 1-1 पॉइंट को 1-1 मार्क्स दिया जाएगा, और इस बेस पे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट जिनको भी ये टाइम ऑफ सप्लाई में कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आते जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड एज ऑलवेज टिल देन वर्क हार्डर बी स्मार्टर।